बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान, या का नाम दुआ, या का नसाइन। वही हुआ जिसका डर था, बुरी खबर आ गई। बुरी खबर क्या है? क्या इमरान खान साहब और फौज में इख्तलाफात चल रहे हैं? शहबाज शरीफ का रोल क्या है? शहबाज शरीफ की जितनी भी सियासत है, जहां से उन्होंने सियासत शुरू की थी, वहां से लेकर आज तक की सियासत को इस वीडियो में एक्सपोज करूंगा। इसके अलावा जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो वजीर हैं, वो बजाय इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देने के, वो जनरल कमर बाजवा को ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये तमाम चीजें और ये तमाम खबरें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। यहां पर कल से जब लॉकडाउन में एक्सटेंशन की बात की गई, तो वहां पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने एक खबरें फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने क्या खबरें फैलाई, अब जरा सुनिएगा। हिना भट्ट कहती है, सुना है नियाजी साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। वैसे ऐसा करना वक्त की जरूरत थी। जो शख्स लॉकडाउन के हवाले से फैसले ना कर सके, उसको साइडलाइन कर देना भी बेहतर है। इस बुरान में बड़े और फौरी फैसले करने की जरूरत है, और नियाजी साहब में बड़े क्या छोटे फैसले करने की भी सलाहियत मौजूद नहीं है। हिना भट्ट ने यह कहा। अब आरफ निजामी क्या कहते हैं, लगता है इमरान खान साहब से किसी ने जबरदस्ती लॉकडाउन करवाया है। आसिफ जरदारी को यह क्रेडिट जाता है, उसने मुराद शाह जैसे वजीर आला चुना जिसमें लीडरशिप की सलाहियत मौजूद थी। इसके अलावा जो मजीद खबरें हैं वो अब मैं शामिल करना चाहता हूं, तमाम खबरें इंक्लूड कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा सारी सिचुएशन क्या है और ये खबरें क्यों आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, रिलीफ टाइगर फोर्स की मुल्क भर में नौजवानों में जबरदस्त पजीराई हुई है। एक दिन में तकरीबन 2,80,000 से ज्यादा नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवाम लूटने वालों को जल साथ अनासर भी सरगर्म हो चुके हैं। नौजवानों को रजिस्ट्रेशन के लिए फेक टेलीफोन कॉल मौसूल होना शुरू। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार का मामले पर नोटिस। उस्मान डार का एफआईआर साइबर क्राइम में समेत मुतलका दारों से राबते का फैसला। उस्मान डार ने फेक कॉल करने वालों की गुफ्तगू और फोन नंबर पर मीडिया पर जारी कर दिया। नौजवान से किसी किस्म की फेक टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुताल रहने की हिदायत। टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पोर्टल के जरिए होगी। उस्मान गुजार सोशल मीडिया पर रजिस्ट्रेशन के दीगर तमाम तरीकाकार और फॉर्म जाली हैं उस्मान डार। अब शहबाज शरीफ, ये तो होगी खबरें, जो मौजूदा खबरें चल रही हैं वो खबरें मैंने आपके सामने पेश की। शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर आते हैं पहले। शहबाज शरीफ के जो आलिया बयान हैं वो इंक्लूड करता हूं। तबलीगी जमात के अफराद के साथ बदलूकी पर शहबाज शरीफ की सख्त मजम्मत। इस मजम्मत से पहले यह हुआ था कि उस्मान बुज़दार जो है वो इस वाके का नोटिस ले चुके थे। इसके अलावा कहते हैं, दीन की खिदमत करने वालों के साथ मुजरमों जैसा सलूक नाकाबिले कबूल है। शहबाज शरीफ ने पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन ज़िराला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार, उन्होंने बकायदा तौर पर नोटिस ले लिया और कहा कि ये जो तमाम चीजें हैं इनको मैं अब खुद हैंडल कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ नारवा यानी कि जिनके साथ ज्यादती हुई, मैं उन चीजों को मोनिटर कर रहा हूँ। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट की है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वेंटिलेटर्स फौरी तौर पर मंगवाए जाए। शहबाज शरीफ, एक शख्स 30-35 साल, ये शख्स पाकिस्तान में हुकूमत करता है और कहता है कि वेंटिलेटर्स फौरी तौर पर मंगवाए जाए। शहबाज शरीफ, जैसा कि मैंने वीडियो में आपसे कहा था कि मैं जो के खादमे आला पंजाब है, इस वीडियो में आपको एक्सपोज भी करके बताऊंगा असल खबरें, और जो इमरान खान साहब की और जो जनरल कमर बाजवा की इख्तलाफात की खबरें हैं वो भी तमाम खबरें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन
इन तमाम खबरों को अब डिस्कस करने का यहां पर मकसद क्या था। खबरें फैलाई जा रही हैं जी कि मीडिया की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और जनरल कमर बाजवा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। एक खबर मैंने और एक वीडियो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया था जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान लैंड हुए थे, उन मोहतरमा ने यह कहा था कि ये लैंड हुए नहीं है, ये लैंड करवाए गए हैं और इनको बुलाने वाले पीछे जो लोग थे वो रियासती अदारे थे, वो फौज थी और उन्होंने कहा था कि फौज ने अब शहबाज शरीफ को बुला लिया है। शहबाज शरीफ की सियासत है कि शहबाज शरीफ 35 साल के बाद ये कहता है कि मुल्क में फौरी तौर पर वेंटिलेटर्स मंगवाए जाए। जिस शख्स से 35 साल तक ये काम नहीं हो पाया कि वो वेंटिलेटर्स मंगवाए और पाकिस्तान में अस्पताल बनवाए, एक हॉस्पिटल भी पाकिस्तान में अच्छे मेयार का मौजूद नहीं है आज तक। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जहां पर कोई गरीब उठे और वहां पर जाकर इलाज करवाए, शहबाज शरीफ की सियासत इसी जगह पर खत्म हो जाती है और उनको शर्म आनी चाहिए कि आप 35-40 साल हुकूमत करते हैं और अब आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स मंगवाए जाए। आपने खुद क्यों नहीं मंगवाए? आपने पाकिस्तान का सारा पैसा सड़कों पर क्यों लगा दिया, मेट्रोस पर क्यों लगा दिया, लैपटॉप स्कीम पर क्यों लगा दिया? जो अस्पताल, जो सेहत की बुनियादी जो सहूलतें थी वो तो आपने दी नहीं। अब आते हैं जी के इमरान खान साहब और जनक अमर बाजवा। अच्छा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि लॉकडाउन जनक अमर बाजवा के कहने पर हुआ, ऐसा मीडिया तासर दे रहा है। मैं आपको यहां पर इंक्लूड करना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, फौज पाकिस्तान की है, अगर वो कहती है कि लॉकडाउन कर दें तो इसमें क्या गलती है, इसमें कौन सी चीज बुरी है? अगर फौज और इमरान खान साहब मिलकर कोई एक फैसला कर लेते हैं तो क्या वो फैसला गलत है? पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, जब पाकिस्तानी फौज ने कह दिया, डीजीआई एसपीआर की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई कि 14 अप्रैल तक मजीद लॉकडाउन किया जाए, अगर वो कह देते हैं तो वो ये कहना तो गलत बात नहीं है, क्योंकि फौज इस चीज को समझती है, फौज आपके घरों में जा रही है, फौज निगरानी कर रही है पूरे पाकिस्तान की और कोरोना वायरस में निपटने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रही है। इमरान खान साहब ने ये कतई नहीं कहा था कि लॉकडाउन मैं खत्म करने लगा, वो कहते थे कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है, मैं इस मसले का हल ढूंढ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि लोगों की जो रोटी है उनके घर तक कैसे पहुंचाऊं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं कल लॉकडाउन खत्म करने लगा हूं, ऐसा कोई भी बयान मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, ना ही उन्होंने ऐसी बात कही। मीडिया ने तमाम चीजें मैनुपलेट करके आपके सामने ला कर रख दी और जो सबसे बड़ी खबरें गर्दश कर रही है कि शहबाज शरीफ आने लगे हैं, इन हाउस तब्दीली होने लगी है और बजट से पहले ही इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी चीज डिस्कस की जा रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के वजीर हैं वो जाकर जनरल कमर बाजवा को उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। अगर ब्रीफिंग दे रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी गलत बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएं और ब्रीफिंग दें और बताएं कि मुल्क की ये सूरत हाल है? ओ भाई, फौज पाकिस्तान की है, अगर ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफिंग दी जा रही है, ली जा रही है, साथ मिलकर काम हो रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी गलती है, कौन सी बड़ी क़यामत आ गई है? ओ भाई, मेरे पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज के साथ अगर बंदा जाकर इमरान खान साहब ये पूछते हैं कि सर, और वो अगर आगे से पूछते हैं कि सर हम ये चीज किस तरह करें, दोनों की सलाह मशवरे के साथ अगर कोई काम हो जाता है तो उसमें कौन सी बड़ी गलती है? आप कहते हैं कि नहीं जी, जो ये लोग हैं, यानी कि जो लोग सारे सिलेक्टेड हैं जी, सिलेक्टेड हैं। देखें, बजाय कोरोना को डिस्कस होने के ये डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड को 1.5 करोड़ वोट कैसे पड़ी? और ये तमाम बातें आप अपने जहन से निकाल दें कि इमरान खान साहब कहीं जाने लगे हैं। मैंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, मैं उस दिन से बताता आया हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत 2023 तक कहीं नहीं जाने लगी, अगर जिंदगी रही तो, दुनिया रही तो।
इंशाल्लाह इंतजार इमरान साहब कहीं नहीं जा रहे। बुरी खबरें हैं शहबाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ मैसूर होकर रह चुके हैं। शहबाज शरीफ अपनी एड़ी चोटी का जोल गा रहे हैं, मीडिया को यूज किया जा रहा है, अपने सोशल जो मीडिया नेटवर्क है उनको यूज किया जा रहा है, यूट्यूबर्स यूज किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है और लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को जहां पर डिस्करेज किया जा रहा है कि आप ज़ियाउर रहमान साहब की टाइगर फोर्स का हिस्सा ना बने। और यहां पर जो मैंने फेक कॉल्स की यहां पर आपको बताया, यकीनन ये वही लोग हैं जो कि इमरान खान साहब का भला नहीं चाहते और यकीनन वही लोग हैं जो इस मुल्क का भला नहीं चाहते। ये तमाम जो लोग हैं और तमाम मनासर जी हैं कि ये लोग इस चीज को और इस मकसद को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर इमरान खान साहब किसी तरीके के साथ कामयाब हो गया, ये इमरान खान साहब के पास एक ऐसा मौका है कि अगर इमरान खान साहब इस मौके में अपने आप को मनवा लेते हैं तो नेक्स्ट आने वाला जो टाइम होगा इमरान खान साहब को हर बंदा वोट देगा। जिसने इस इलेक्शन में नहीं दिया था, 2018 के इलेक्शन में नहीं दिया था, वो 2023 में उस इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो भी उनको वोट देने पर जो है वो अमादा हो जाएंगे और राजी हो जाएंगे। तो इस टाइम जितने भी शहबाज शरीफ हो गए और ये जो तमाम मीडिया ग्रुप्स है ये इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ियाउर रहमान साहब को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये इमरान खान साहब की नाकामी नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान की नाकामी होगी। देखें जो टाइगर फोर्स है और जो लोग टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं, कभी इमरान खान साहब ने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि आप तहरीके इंसाफ से हैं या पीपल्स पार्टी से हैं या किस जमात से आपका तलक है। सारे बंदे टाइगर फोर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई एंकर अरशद शरीफ जो है वो बकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि ये उनको कुत्तू जैसी तशबीह दी जा रही है, और जो एक और एंकर हैं जो एजाज सैयद हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हिजड़े हैं टाइगर फोर्स। तो ये तमाम चीजें और ये देखें ये कितनी गलत बातें हो रही हैं टाइगर फोर्स के मतलब। वो लोग जो कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि शायद उस वजह से या बाहर निकले किसी के घर में जाएं आटा रोटी राशन कोई चीज देने जाएं तो उनको हो सकता है कि खुदा हासा उस घर में कोरोना वायरस का पेशेंट हो, तो वो मर्ज उठाकर जब वो अपने घर आएगा तो फिर उसके ऊपर उसके घर वालों को भी खतरा है। तो जो बंदा अपनी जान के ऊपर खेल कर जा रहा है उसके ऊपर बातें बन रही हैं, उसके ऊपर लोग फेक कॉल्स कर रहे हैं, फेक फॉर्म भी मार्केट में आ चुके हैं। देखें खुदा का वास्ता है, ये वक्त है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को साथ मिलकर खड़ा होने का ये वक्त है। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इमरान खान साहब को कामयाब करे और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान फौज को कामयाब करे। वीडियो देखने का शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।